लोग पिक करने वाले हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स इनको उठाने वाले हैं। बट द थिंग इज गाइज, बहुत टाइम से यूट्यूब पर ना लोग मेरे नाम से फेक कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करके, कुछ भी फेक चीजें बना करके, दे वर यूजिंग माई नेम टू गेन व्यूज। एंड यू नो, बिग फैन UK07 मिलना है भाई, दे जस्ट वॉन्टेड टू मीट मी। एंड उसके बाद फेक चीजें क्रिएट करके दे क्रिएटेड दीज फेक कॉन्ट्रोवर्सीज। बट गाइज, जब मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी गई गाइज, एंड मेरी होने वाली वाइफ को जब एक प्रोस्टिट्यूशन एक कॉल गर्ल से कंपेयर करा गया, उस पर हाथ उठाने की कोशिश की गई, तो इट वॉज लाइक डेड सीन फॉर मी। भाड़ में जाए सब लोग, द रियालिटी हैज़ टू कम आउट गाइज। मैंने सारे स्क्रीन शॉट्स, कॉल रिकॉर्डिंग, सारे प्रूफ्स के साथ, यू नो, माई गर्लफ्रेंड, माई होने वाली वाइफ हैज अपलोडेड एवरी फैक्ट्स ऑन हर यूट्यूब चैनल, बिकॉज उसकी इज्जत पे ना गाइज सब कुछ आ गया था। आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन टू सपोर्ट गाइज, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मी। मेरे को लोग 1000 गालियाँ देना, मैं सुन लूंगा, बट अगर मेरी फैमिली को कोई मारने की धमकी देगा गाइज, कोई मेरी बंदी को नेपाली बोलेगा, मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना गाइज, वो नेपाल से, और नेपाल, आसाम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट से मुझे जितना सपोर्ट है ना, उसमें से आधे लोग नेपाली है गाइज। बट जब कोई नेपाली कोई गाली दे करके बोलेगा ना कि तेरी बंदी नेपाली है, तो आई प्राउडली एक्सेप्ट कि मेरी जो गर्लफ्रेंड और मेरी जो होने वाली वाइफ है ना गाइज, वो नेपाली है। नेपाली कम्युनिटी को गाली दे करके कोई बड़ा नहीं बनने वाला गाइस, बट नाउ दे विल नो द पावर ऑफ ब्रोस है ना, कि अगर बाबू भैया की फैमिली और बाबू भैया की होने वाली वाइफ पर कोई इज्जत की बात करेगा तो फिर गेम खत्म। मैं ना कोई कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता था, बट क्या बताओ यार, ये बंदा इतना गिरा हुआ इंसान है कि अपने गर्लफ्रेंड के लिए दोस्तों को मतलब अकेला छोड़ दिया, समझ रहे हो आप बात को? में यार फ्रेंडशिप बोल के कुछ चीज़ है ही नहीं, और ये फ्रेंड्स को वैल्यू भी नहीं देता है, ठीक है? इसके लिए सिर्फ वही मैटर करता है, व्यू, सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब, ठीक है? रियलिटी में इसका कोई दोस्त नहीं है। एंड आज जो उसने मेरे साथ किया, गाइस नेपाल में लेके आया मेरे को, उसके भरोसे में मैं गया था, फर्स्ट टाइम नेपाल विजिट करवा था, करा मैंने। एंड उसके बर्थडे के बाद वाला दिन ही बोल रहा है कि तू वापस निकल जा, घर चला जा इंडिया। मतलब आमिर मजिद का जब गाना आया था, बहुत कोई सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि भाई डोंट गो विथ हिम, बट मैंने ना दोस्त समझ के मैंने कुछ उतना चीज़ों को डीपली नहीं सोचा था, बट वही हुआ जो चीज़ें होना था। मतलब कितना दिस इज़ वेरी रॉन्ग ना, मतलब किसी को लेके आओ नेपाल पे, उसके बाद फिर छोड़ दो उसको अकेले। भाई मैं बॉर्डर कैसे क्रॉस करूँगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया।